हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्टी एक्सप्रेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारी मदर जो है अपने बच्चे को लेट कर दूध पिलाते हैं, उस पोजीशन से बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि उससे बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है और आपको क्यों इस पोजीशन में दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है, जो कि काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो एकदम ही न्यू बॉर्न होता है ना, उसके बहुत सारे पार्ट्स अभी भी बन रहे होते हैं। टीयर पॉकेट्स होती हैं जो कि नोज के अपर पार्ट में होती हैं, वो अभी बच्चे की डेवलप हो रही होती हैं। और न्यू बॉर्न को अगर आप लिटाकर दूध पिला रहे हैं तो क्या होता है, वो मिल्क जो है वो उस पॉकेट्स में चला जाता है और क्या होता है कि बच्चे के वहाँ पे जम जाता है और वो पस बन जाता है, जिसके कारण बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि वो जो है बच्चे की आंखों से पानी बन के, कई बार आपने देखा होगा बच्चों की आंखों से पानी सा बहता रहता है, उसका रीजन ही यही होता है कि आप अपने बच्चों को डेफिनेटली लिटाकर दूध पिला रहे हैं, जो कि बच्चे को बहुत नुकसान कर रहा है। बच्चों की आंखों से पानी बन बन के निकल रहा है, तो इसलिए आपको बच्चे को बिल्कुल भी लिटा के दूध नहीं पिलाना चाहिए। जब भी बच्चों को लिटाकर दूध पिलाया जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो मिल्क है वो बच्चे के फेफड़ों में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, जिसके कारण बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपको लिटा के नहीं दूध पिलाना चाहिए। जिन बच्चों को लिटा के दूध पिलाया जाता है उन बच्चों में जो गैस बनने की प्रॉब्लम है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है जिन बच्चों को थोड़ा सा बिठा के दूध पिलाया जाए या फिर थोड़ी सी अपलिफ्ट अपोजिशन में दूध पिलाया जाता है। और जब बच्चे को गैस बनती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, बच्चा काफी देर तक रोता रहता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे बच्चे के गैस को ठीक कर सकते हैं, बट उसमें एक ये चीज भी है कि अगर आप बच्चे को लिटा कर दूध पिलाते हैं तो प्लीज इस चीज को अभी स्टॉप कर लीजिए। आप बच्चे को जब भी दूध पिला रहे हैं और अगर बच्चे का बिल्कुल स्ट्रेट है, एकदम ऐसे लेटा हुआ है, चाहे आप बॉटल फीड करा रहे हो बिना किसी सपोर्ट के, बच्चा एकदम ऐसे सीधे बेड पे लेटा हुआ है गद्दे पे, उसका सर बिल्कुल भी ऊपर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, बच्चे के ईयर्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि उस वक्त आपको नहीं समझ आएगा। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 2-4 साल का हो जाएगा, तब बच्चे के ईयर्स में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत लंबे टाइम तक वो प्रॉब्लम चलती ही रहती है, सिर्फ काफ़ी लंबे टाइम तक प्रॉब्लम रहती है। इसके लिए प्लीज़ आप अपने बच्चों को बिल्कुल लिटा के दूध ना पिलाएं। कई बार क्या होता है कि सपोज़ अभी कुछ दिन पहले ही आपकी डिलीवरी हुई है और आप लिटा करके दूध पिला रहे हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, बहुत ज़्यादा आपको थकान है, आप बहुत गहरी नींद में हो और आप बच्चे को लिटा के दूध पिला रहे हो, तो बहुत ऐसा पॉसिबिलिटी बन जाता है कि बच्चे के ऊपर आपका वेट आ जाए, उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए थोड़ा पेन ज़रूर हो सकता है आपको कि हाँ बार बार रात को उठना, और आप ऑलरेडी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो फिर भी बच्चों को उठ के दूध पिलाना, रस्मी अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। जिन लोगों का सी सेक्शन होता है उनको 24 आवर्स के लिए इतना अलाउ किया जाता है कि हाँ आप लिटा के दूध पिला सकते हैं कुछ कुछ जगह पे, बट 24 आवर्स के बाद में उनको भी बोला जाता है कि नहीं आप बैठ के ही दूध पिलाइए। अगर आप इस तरह से स्ट्रेट नहीं बैठ सकते हैं तो आप पीछे किसी प्लो वगैरह को लगा करके आराम से बैठ सकते हैं, सपोर्ट लेके टेक लेके बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेड पे आराम से बैठ सकते हैं, आप अपनी भी कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढ के उसमें आराम से बैठिए और बैठ के बच्चे को दूध पिलाइए। जब भी आप बैठ रहे हैं, अभी इसमें क्या होता है ना, कई बार जैसे बैठ के भी लोग ना एकदम स्ट्रेट लेते हैं वो भी गलत होता है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चे का सिर्फ हेड ऊपर कर लेते हैं बाकी की बॉडी उसके नीचे होती है, वो दोनों पोजीशन गलत होती हैं। आपको अगर बैठ के भी दूध पिलाना है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप एक प्लो नीचे लगा लीजिए या फिर आप फीडिंग प्लो परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो नॉर्मल प्लोज होती हैं आप वो लगा लीजिए, आप एक या दो अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपकी प्लो की हाइट है उस हिसाब से आप वो प्लो लगा के बच्चे को दूध पिला सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लिटा करके ही दूध पिलाना, आपको अभी सी सेक्शन हुआ है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपना हाथ बच्चे के सर के नीचे लगा लें, जिससे कि बच्चे का सर हल्का सा उसकी बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर रहेगा। दूसरा, आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर सपोज आप बॉटल फीड कर रहे हैं तो आप बच्चे को लिटा करके बच्चे के सर के नीचे प्लो लगा दीजिए, लेकिन ये सिर्फ आपको दूध पीते वक्त ही करना है। आप ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे तो बच्चे को ये सारे इन्फेक्शन होने से बहुत ज्यादा
बचाया जा सकता है। और उसके बाद में जब भी बच्चे को दूध पिला देते हैं उसके बाद में आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को दूध पीने के बाद में थोड़ी देर आपको उठा के रखना है, जैसे कि बच्चे का जो मिल्क है वो अच्छे से बच्चे के पेट में चला जाए और डाइजेस्ट हो जाए। तो आप बच्चे को बर्फ वगैरह दिलाइए, थोड़ा सा उसको बिठा के रखिए, किसी एक्टिविटी में बिजी रखिए, उसको तुरंत दूध पिलाने के बाद में एकदम से सुला भी नहीं देना है। तो ये है मेरी तरफ से एक छोटी सी वीडियो इस चीज के ऊपर कि आपको बच्चे को लिटाकर दूध क्यों नहीं पिलाना चाहिए। और जल्दी ही मैं एक इस चीज के ऊपर भी वीडियो लेके आने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से बच्चे को प्रॉपर क्या पोजीशन होती है जिसमें आपको बच्चे को फीड कराना चाहिए। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।